हेलो टू ऑल। आज का जो हमारा विषय है वह है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के बारे में जानने के हमारे पास निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे कि अभिलेख, साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माने जाते हैं वो अभिलेख माने जाते हैं, जिनकी सहायता से हम पल्लव शासकों के राजनीतिक उपलब्धियों को जान पाते हैं। जो पल्लव अभिलेख है उन्होंने प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का हमें प्रयोग दिखलाई देता है। इन अभिलेखों में हमें पल्लव राजवंश की वंशावलियाँ तथा हमें तिथियाँ भी प्राप्त होती हैं और उनके राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों की सूचना भी प्राप्त होती है। प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो उसमें है मैडवोलो अभिलेख, दूसरा है हिरहटगल्ले अभिलेख, तीसरा है चारू देवी कॉपर प्लेट अभिलेख। ये तीनों के तीनों अभिलेख जो है आरंभिक पल्लव शासकों से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो केंदलूर अभिलेख, उदयनदिरम अभिलेख, कसाकुजी अभिलेख, मंदगपट्ट अभिलेख, कूरम अभिलेख, गढ़वाल अभिलेख, वेलूर पालयम अभिलेख, पल्लवरम अभिलेख, पनमलाई अभिलेख, वायलोर अभिलेख तथा वैकुंठ पेरुमाल अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी जो अभिलेख हैं ये महान साम्राज्यवादी पल्लव शासकों से संबंधित माने गए हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में सबसे प्रमुख है अवंती सुंदरी कथा, जिसके लेखक जो है दंडिन है। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है हमें दिखलाई देती है वो है मत्विलास प्रहसन, जो कि महेंद्रवर्मन प्रथम के द्वारा लिखी गई थी और जिससे हमें तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक विषयों के बारे में सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त तमिल ग्रंथ नंदिक कलंबकम जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में दिखलाई देता है, जिसमें नंदीवर्मन तृतीय की उपलब्धियों की सूचना हमें प्राप्त होती है। तथा जैन ग्रंथ लोक विभाग से हमें नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन से संबंधित अनेकों हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश जो भी से हमें आरंभिक पल्लव शासकों से संबंधित अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विदेशी यात्रियों के अकाउंट में वेन सॉन्ग का जो यात्रा वृत्तांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेन सॉन्ग नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन वर्ष में कांची और महाबलिपुरम की इन्होंने यात्रा की थी। इम्पीरियल पल्लव राजवंश सातवाहनों के पतन के पश्चात जो है दक्षिण भारत में हमें एक खाली बंसा दिखलाई देता है, जिसकी पूर्ति जो है अनेकों छोटे छोटे राजवंशों के द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख राजवंश जो है वो पल्लव राजवंश है, जिसने दक्षिण भारत के राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक, साहित्यिक एवं स्थापत्य एवं कला के क्षेत्र में जो है अद्वितीय प्रभाव जो है डाला था। पल्लव की उत्पत्ति की बात करें तो उनको उत्पत्ति को लेके विद्वानों में अनेकों मतभेद हैं और अलग अलग जो है मत विद्वानों ने दिए हैं। केपी जायसवाल के अनुसार जो है पल्लव की उत्पत्ति जो है वाकाटक की शाखा से हुई थी। इसको इसके लिए उन्होंने अपने अनेकों तर्क दिए हैं केपी जायसवाल साहब ने, और परंतु अधिकांश विद्वान जो है उनके पी जायसवाल के मत से सहमत नहीं है, क्योंकि वाकाटक जो है विष्णुवृद्धि गोत्र से बिलोंग करते थे एंड पल्लव जो है भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे, जैसा कि पल्लव शासकों ने अपने अभिलेखों में उल्लेखित भी किया है। डुब्रिल एंड लेविस राइस जो है पल्लव को की उत्पत्ति जो है पार्थियन यानी कि पहलवों से करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए हैं, जैसे कि पल्लव और पहलव शब्दों में जो समानता दिखलाई देती है उसके आधार पर। और दूसरी जो उन्होंने वो दिया है वो है वैकुंठ पेरुमाल मंदिर में पल्लव शासक के द्वारा इंडो ग्रीक रूलर की तरह जो है मुकुट का पहनना भी एक महत्वपूर्ण उन्होंने माना है। किन उन डुब्रेल और लेविस राइस के कथनों से जो है सहमत नहीं दिखलाई देते, क्योंकि पल्लव जो है वो वैदिक सेक्रीफाइस को संचालित करते थे, जबकि पल्लव जो है वैदिक यज्ञों से बहुत दूर तक उनका